हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं होंडा रिबेल 300, रॉयल एनफील्ड मेटोर 350 और जावा 42 या क्लासिक की। तीनों ही बाइक सेम कैटेगरी की हैं, तीनों ही बाइकों की इंजन स्पेसिफिकेशंस भी लगभग सेम है और प्राइस कैटेगरी भी लगभग सेम ही होने वाली है। इनमें से होंडा रिबेल 30 तारीख को मार्केट में आ जाएगी। मेटोर का डेट एंड टाइम अभी कुछ रिवील नहीं किया है कंपनी ने, जबकि जावा 42 और जावा क्लासिक पहले से ही बाजार में मौजूद है। ये तीनों ही बाइकें क्रूज कैटेगरी में आती हैं और तीनों के बीच ही बड़ी कांटे की टक्कर भी होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ अजय सहरावत। और वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं होंडा रिबेल 300 की, साथ ही चेक कर लेते हैं उसका साउंड जो कंपनी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किया है। जो डुग डुग वाली आवाज आपने अभी सुनी, वही आवाज होंडा रिबेल की होने वाली है, ऐसा कुछ कंपनी अपना क्लेम कर रही है इंस्टाग्राम हैंडल पर। तो होंडा रिबेल का साउंड कुछ कुछ आपको बुलेट की याद दिलाएगा और मेटोर का साउंड तो होगा ही बुलेट जैसा, हालांकि जावा का साउंड बिल्कुल अलग होगा इनमें से। तो अगर साउंड की बात की जाए तो रिबेल 300 आपको बुलेट की कैटेगरी का साउंड देगी। रिबेल में आपको मिलने वाला है 286 सीसी का लिक्विड कूल DOHC इंजन जो सिंगल सिलेंडर होगा। साथ ही साथ इसमें सेल्फ स्टार्ट का फंक्शन होगा, किक नहीं आएगी इसके अंदर, फ्यूल इंजेक्टेड ये बाइक होगी। बाइक में 6 स्पीड का गियर बॉक्स आएगा। साथ ही ये बाइक डुअल चैनल ABS के साथ होगी। इसका स्पीडोमीटर डिजिटल होगा, ओडोमीटर डिजिटल होगा और एक तरह से जो पूरा मीटर है वो डिजिटल दिया जाएगा इसमें बुलेट के मुकाबले। इसमें एक काफी अच्छी चीज होने वाली है और जावा के मुकाबले भी, क्योंकि ना जावा के अंदर डिजिटल मीटर आता है और ना ही बुलेट के अंदर डिजिटल मीटर कंपनी ने दिया है। अगर बात की जाए इसकी फ्यूल कैपेसिटी की तो 11 लीटर से ऊपर का इसका टैंक दिया है। साथ ही साथ बाइक की हाइट है वो काफी कम है, 690 mm बाइक की हाइट है और जो छोटे कद वाले लोग हैं उनको भी ये बहुत अच्छे से फिट होगी। साथ ही साथ इसमें इंजन जो ऑयल डलेगा वो काफी बड़ा दिया है इंजन ऑयल का, वो है इसके अंदर 3.2 लीटर इंजन ऑयल आएगा, जबकि बुलेट में 1.5 लीटर के आसपास इंजन ऑयल आता है। बाकी पूरी बाइक में हर चीज LED होगी रिबेल 300 के अंदर, हेडलाइट, टेल लाइट और टर्न सिग्नल से लेकर सब कुछ LED दिया गया है। अगर बात करें इसके टायर की तो जो अगला टायर होगा वो आपको मिलेगा 130/90 16 इंच का अलॉय व्हील होगा। साथ साथ जो पिछला टायर होगा वो होगा 150/80 16 इंच के अलॉय व्हील में। दोनों टायर ट्यूबलेस होंगे। कंपनी ने अभी बाइक की BHP और टॉर्क के बारे में खुलकर नहीं बताया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि बाइक के अंदर 27 BHP की पावर होगी, साथ साथ 27 Nm का टॉर्क भी बाइक में आपको मिलने वाला है। इंजन के मामले में होंडा रिबेल का जो कंपटीशन होगा वो जावा 42 और जावा क्लासिक से होगा, क्योंकि 300cc में रिबेल आने वाली है और 300cc में ही जावा 42 और क्लासिक मार्केट में अवेलेबल है। साथ साथ बात करें इनकी पावर की, 27 BHP की पावर जनरेट करती है जावा 42 और जावा क्लासिक, वहीं रिबेल की जो पावर है वो भी इसी के आसपास बताई जा रही है। रिबेल में आपको मिलता है 286cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड इंजन, वहीं आपको जावा में 293cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। रिबेल में जहां आपको LED दी गई है वहीं जावा में कुछ भी LED आपको नहीं मिलता है, सब कुछ एक नॉर्मल जो बल्ब आते हैं वही आपको हेडलाइट में और वही आपको इंडिकेटर्स में देखने को मिलते हैं। जावा 42 और जावा क्लासिक रिबेल को इंजन मामले में पूरी टक्कर देंगी, लेकिन अगर हम बात करेंगे एक्सेसरीज की लाइक LED हेडलाइट्स, टर्न इंडिकेटर्स और लुक वाइज तो होंडा रिबेल कहीं ज्यादा बेटर दिखती है जावा 42 से। होंडा रिबेल 300 जावा के बाद अब बात कर लेते हैं रॉयल एनफील्ड मेटोर 350 की। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की। तो मेटोर 350 में आपको मिलता है 349cc का एक इंजन जो है एयर कूल्ड, साथ ही साथ इसमें आपको मिलती है 20 BHP की पावर, साथ में 27 Nm का टॉर्क जो रिबेल 300 और जावा 300 से काफी कम है। हालांकि टॉर्क दोनों का बराबर है लेकिन BHP की पावर कम हो जाती है यहाँ पर मेटोर 350 में। जावा 42 और रिबेल की तरह ही इसके अंदर भी आपको मेटोर में डुअल चैनल ABS मिलता है। अगर बात करें गियर बॉक्स की तो जावा और रिबेल में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, जबकि यहाँ पर आपको
सिर्फ 5 स्पीड गियरबॉक्स मेटोर 350 में मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं व्हील्स की, तो फ्रंट जो टायर है मेटोर 350 का वो 100/90 19 इंच के अलॉय व्हील में आता है, और जबकि पिछला टायर 140/70 17 इंच के अलॉय व्हील में आता है, यानी कि इसको भी पूरी क्रूजर लुक दी गई है टायर से। हाइट की बात करें तो मेटोर 350 की जो हाइट है वो होगी 765 mm, जो रिबेल से ज्यादा है और जावा के लगभग करीब है। साथ में मेटोर 350 में आपको हेलोजन बल्ब मिलते हैं, टर्न इंडिकेटर्स में भी आपको बल्ब भी मिलेंगे। तो ये तो हो गई इसकी इंजन की बातें। अगर हम बात करेंगे इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस होने वाला है वो करीब 1,80,000 के आसपास होने वाला है, जबकि जावा 42 और जावा क्लासिक आपको, जावा 42 आपको 2,00,000 से ऊपर की पड़ जाती है, और रीबेल का जो प्राइस है वो काफी हाई होने वाला है। उसकी जो उम्मीद लगाई जा रही है प्राइस की वो है 2,20,000 से 2,50,000 रुपए के बीच में। तो कहीं ना कहीं रॉयल इनफील्ड प्राइस के मामले में सबसे लोअर होगी यहाँ पर। इसके बाद नंबर आता है प्राइस को लेकर जावा का, देन आप रीबेल 300। लेकिन अगर आप इंजन को देखकर बाइक चूज करते हैं तो जावा 42 और जावा क्लासिक के साथ रीबेल का इंजन लगभग सेम स्पेसिफिकेशंस का है, तो ये दोनों बाइकें लगभग सेम ही क्रूज करेंगी, सेम ही स्पीड रहेगी इनकी। यहाँ पर मेटोर 350 इनसे नीचे हो जाती है। तो आपको कंपैरिजन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएगा। साथ ही साथ अगर आप इनमें से कोई सी बाइक चूज करना चाह रहे हैं और उसको लेकर आपके अंदर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर भी मैं अपडेट डालता रहता हूं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।